गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर EVS क्लास. ओपन चैप्टर नंबर 9, प्लांट्स एंड एनिमल्स. टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट एनिमल्स. लाइक ह्यूमन बीइंग्स, मैनी एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स. ह्यूमन बीइंग्स की ही तरह एनिमल्स भी ग्रुप में रहते हैं. दे वॉर्न ईच अदर इफ़ दे सेंस एनी डेंजर. जैसे ही एनिमल्स कोई डेंजर सेंस करते हैं तो वो एक दूसरे को वॉर्न भी कर देते हैं. दे एक्सचेंज इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्स ऑफ फूड एंड वाटर. वो सोर्स ऑफ फूड और वाटर की इंफॉर्मेशन भी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं. दे टेक केयर ऑफ ऑल द यंग वंस. ह्यूमन बींग्स की ही तरह जो एनिमल्स होते हैं वो अपने यंग वंस की केयर करते हैं. अ ग्रुप ऑफ लायंस इज नोन एज अ प्राइड ऑफ लायंस. जो ग्रुप ऑफ लायंस है उन्हें प्राइड ऑफ लायंस भी बोला जाता है. अ प्राइड यूजली कंसिस्ट ऑफ अबाउट 6 लायनेस, देयर कब्स एंड 1 or 2 मेल लायंस. एक प्राइड में ऑलमोस्ट 6 लायनेस होती हैं, उनके कब्स होते हैं और 1 or 2 मेल लायंस भी होते हैं. अ प्राइड ऑफ लायंस कैन हैव अप टू 30 मेंबर्स. जो एक ग्रुप ऑफ लायंस होता है या प्राइड ऑफ लायंस होता है उसमें 30 मेंबर्स भी हो सकते हैं. अ ग्रुप ऑफ मंकीज इज नोन एज अ ट्रूप ऑफ मंकीज. जो ग्रुप ऑफ मंकी है उसे ट्रूप ऑफ मंकीज भी बोला जाता है. अ ट्रूप ऑफ मंकीज यूजली हैज़ मैनी मेल एंड फीमेल मेम्बर्स एंड देयर चिल्ड्रन. एक मंकी के ट्रूप में बहुत सारे मेल और फीमेल मेम्बर्स होते हैं और उनके चिल्ड्रन भी होते हैं. अ ग्रुप ऑफ कैटल इज नोन एज अ हर्ड. कैटल के ग्रुप को हर्ड बोलते हैं. Observe any such group and you will find that the number of members in the group may differ. अगर आप कोई भी ऐसा ग्रुप देखते हो तो आप फाइंड आउट करोगे कि जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं इन ग्रुप्स में वो डिफर करते हैं. बट दे केयर फॉर ईच अदर. बट उनमें एक चीज़ सिमिलर होती है कि वो एक दूसरे की केयर करते हैं. एनिमल कम्युनिकेशन. Watch a pet and see how it communicates with its owner by its behavior. अगर आप किसी भी पेट को देखते हो तो आप देखोगे कि वो अपने ओनर के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करता है. The bristling of a cat's fur means it is frightened. जब भी आप देखोगे कि कैट की फर राइज होती है डैट मीन्स कि वो frightened है. Animals communicate by sight, smell, टच, साउंड एंड इवन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. जो एनिमल्स हैं उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन बाय साइट भी हो सकता है, स्मेल, टच, साउंड या कई बार वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भी पास ऑन करते हैं. दे सेंड सिग्नल्स टू टेल अदर एनिमल्स दैट दे हैव फाउंड अ न्यू सोर्स ऑफ फूड. जो एनिमल्स होते हैं वो सिग्नल्स दूसरे एनिमल्स को सेंड करते हैं जब भी उन्हें न्यू सोर्स ऑफ फूड मिलता है. They also send special alarm signals if they sense danger. और वो special alarm signals भी भेजते हैं अगर वो कभी भी danger को sense करते हैं. Many male birds sing to attract a female bird. बहुत सारे male birds ऐसे होते हैं जो female bird को attract करने के लिए sing भी करते हैं. For example, canary, house sparrow, etc. जैसे कि canary और house sparrow. A cuttlefish communicates by using color. जो कटल फिश होती हैं वो कम्युनिकेट करती है अपने कलर को यूज़ करके. इट चेंजेस द कलर ऑफ इट्स स्किन टू सेंड मैसेजेस टू अदर कटल फिश. वो अपनी स्किन का कलर चेंज कर लेती है जब भी उन्हें कभी मैसेजेस सेंड करने होते हैं टू अदर कटल फिश. ये देखो आप कटल फिश. रेड इंडिकेट्स एंगर. दिस इज़ यूज बाय वन मेल टू वॉर्न ऑफ अनदर. जब भी कभी एक मेल कटल फिश को दूसरे कटल फिश को वॉर्न करना होता है तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है. अ हनी बी टेल्स अदर बीज वेयर टू फाइंड फूड बाय डांसिंग. जो हनी बी है वो दूसरे बीज को कम्युनिकेट करती है कि वो फूड को कहाँ से फाइंड आउट करे और वो किस तरह से करती है बाय डांसिंग. इट परफॉर्म्स अ वेगल डांस इन अ फिगर ऑफ 8. वो वेगल डांस करती है जो फिगर 8 बनाती है. The angle of the central part of the dance tells the bees about the direction they need to fly in. जो angle होता है
डांसिंग का, उससे पता लग जाता है दूसरे बीज को कि उन्हें किस डायरेक्शन में फ्लाई करना है. डिड यू नो द जैपनीज स्नो मंकीज कीप themselves वार्म बाय बाथिंग इन द हॉट स्प्रिंग्स. जो जैपनीज स्नो मंकी हैं वो अपने आप को वार्म रखती है बात करके हॉट स्प्रिंग्स में. दे कुक देयर वेजिटेबल्स इन वार्म वाटर बिफोर ईटिंग. और वो अपने वेजिटेबल्स को कुक करती है उसी वार्म वाटर में. एनिमल्स डिफेंड देमसेल्फ. लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफेंड देमसेल्फ अगेंस्ट प्रीडेटर्स एंड फाइट्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो खुद को डिफेंड करती है अपने प्रीडेटर्स के अगेंस्ट और फाइट भी करती है. फॉर एग्जाम्पल टाइगर्स कैमोफ्लेज देमसेल्फ इन टॉल ग्रास. जो टाइगर्स होते हैं वो खुद को कैमोफ्लेज कर लेते हैं टॉल ग्रास के पीछे. कैमेलियंस अडैप्ट द कलर ऑफ देयर सराउंडिंग्स. और जो कैमेलियंस होते हैं वो अपने सराउंडिंग के कलर को अडॉप्ट करते हैं. सम एनिमल्स ऑल्सो हैव अ डिफेंस मैकेनिज्म. कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी खुद की डिफेंस मैकेनिज्म होती है. एनिमल्स सच एज पॉर्क्यूपाइंस हैव स्पाइंस ऑन देयर बैक टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. एनिमल्स लाइक पॉर्क्यूपाइंस के बैक पे स्पाइंस होते हैं जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं. यू कैन सी इन दिस इमेज. अ टॉर्टॉइस ऑल्सो हैड अ हार्ड शेल टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ. टॉर्टॉइस की भी जो शेल होती है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट करती है. एनिमल्स मार्क टेरिटरी. एनिमल मार्क देयर टेरिटरी. एनिमल्स अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं. For example, a deer marks the trees and shrubs around the edge of its territory with a scent. Like deer, deer क्या करती है, जो उसकी territory के end में trees और shrubs है उनको एक scent से mark कर देती है. This scent stays for many days. और जो ये scent है वो बहुत days तक stay करती है उन्हीं trees और shrubs में. This warns other deer to keep out of its territory. और जो ये scent होती है ये दूसरे deer के लिए एक warning होती है कि वो इस territory में enter ना करे. Did you know jellyfish have lived on earth for millions of years. जो jellyfish है वो earth पे रही है millions of years के लिए. They were here before the dinosaurs. Even वो dinosaur से पहले ही exist करते थे. Animals can be trained. Observe some young animals learning to do something for the first time. आप किसी भी young animal को observe करना जो फर्स्ट टाइम कुछ करना चाहती है कुछ लर्न कर रही है. इट कुड बी यंग बर्ड्स टेकिंग देयर फर्स्ट फ्लाइट. ये यंग बर्ड्स भी हो सकती हैं जो अपना फर्स्ट फ्लाइट ले रही हो. और अ किटन प्लेइंग विद अ न्यू टॉय. या फिर कोई किटन जो अपने न्यू टॉय के साथ प्ले कर रही हो. आइवन पावलोव अ साइकोलॉजिस्ट ट्रेन डॉग्स टू लिंक द साउंड ऑफ अ बेल विद फूड. आइवन पावलोव एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डॉग्स को ट्रेन किया था. जैसे ही वो फूड देते थे फूड देने से पहले बेल को रिंग करते थे. यू कैन ट्राई दिस विद एनी पेट. ये आप भी ट्राई कर सकते हो अपने किसी भी पेट के साथ. इवन अ गोल्ड फिश. चाहे वो गोल्ड फिश ही क्यों ना हो. एवरी टाइम यू फीड योर पेट रिंग अ स्मॉल बेल फर्स्ट. जब भी आपने अपने पेट को फीड करना हो उससे पहले आप एक स्मॉल बेल पहले रिंग करिए. विद इन अ फ्यू डेज योर पेट विल लिंक द साउंड ऑफ बेल विथ फूड. कुछ ही दिन के अंदर जो आपका पेट है वो साउंड ऑफ बेल के वो फूड के साथ लिंक करना शुरू कर देगा. एंड विल कम अप टू यू एज सून एज इट हियर्स द साउंड. और वो आपके पास आ जाएगा जैसे ही वो बेल की रिंग को सुनेगा. एनिमल्स आर गुड लिसनर्स. सम एनिमल्स हैव अ वेरी शार्प सेंस ऑफ हियरिंग. कुछ एनिमल्स की हियरिंग की सेंस बहुत ही शार्प होती है. फॉर एग्जाम्पल द अफ्रीकन गिनी फोल कैन हियर द साउंड ऑफ थंडर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे. जो अफ्रीकन गिनी फोल होती है वो थंडर की साउंड को सुन सकती है हंड्रेड ऑफ किलोमीटर्स दूर से भी. दिस टेल्स देम डैट रेन इज़ ऑन द वे. इससे उन्हें ये पता लग जाता है कि कभी भी रेन हो सकती है. Animals and flowers. Butterflies and bees are often seen among flowers. जो butterflies और bees है वो हमें flowers में देखने को मिल ही जाती है. They go near flowers to collect nectar. और वो flowers के पास जाती है nectar collect करने के लिए. Nectar is produced by sweet smelling flowers.
एंड इज रिच इन शुगर. नेक्टर स्वीट स्मेलिंग फ्लावर से प्रोड्यूस की जाती है क्योंकि उनमें शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है. अ हनी बी हैज़ अ लॉन्ग ट्यूब लाइक ऑर्गन. जो हनी बी है उनके पास एक लॉन्ग ट्यूब लाइक ऑर्गन होती है एज अ माउथ थ्रू विच इट सक्स. वो माउथ के सिमिलर ही होता है जिसके थ्रू वो सक करती है नेक्टर डैट गोज टू इट्स स्टमक. नेक्टर को सक करती है जिससे कि जो नेक्टर है वो स्टमक तक चली जाती है. इट मेक्स हनी फ्रॉम नेक्टर. वो हनी बनाती है नेक्टर से एंड स्टोर्स इट इन स्पेशल कंपार्टमेंट्स और उसे स्पेशल कंपार्टमेंट में स्टोर करती है कॉल्ड कॉम्ब्स जिसे कॉम्ब्स बोला जाता है इन इट्स बीहीव. बीहीव के अंदर कॉम्ब होती है और उसके अंदर ही वो नेक्टर को स्टोर करती है. यू कैन सी हियर ये बीहीव के अंदर ये छोटे छोटे कॉम्ब्स हैं जिसके अंदर जो हनी बी है वो नेक्टर को स्टोर करती है. सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड रीडिंग ऑफ लेसन 9 प्लांट्स एंड एनिमल्स. रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली. ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय.